तो पावर यह है कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बी। आज हमारी पहली क्लास है तो इसी बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले आप पावर बी जैसे ओपन करेंगे आपको बोलेगा लॉगिन। मेरे यहाँ पे लॉगिन है बट आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। तो लॉगिन के लिए आपको पावर बी की आईडी powerbi.com पे powerbi.microsoft.com पे आपको बनानी पड़ेगी। अब जब लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए। सबसे पहले जो वीडियोस दिख रहे हैं एक ट्यूटोरियल्स है, मतलब कि इसमें और भी वीडियोस देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो दे रहा है ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज करना सीख सकते हैं। उसके अलावा कुछ नया अपडेट आता है, फॉरम में जा सकते हैं, पावर बी ब्लॉग पे जा सकते हैं, ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। मतलब कि अगर आप फॉरम में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन वगैरह एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। ये चीजें तो ट्यूटोरियल से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा अगर बाहर आते हैं तो पावर बीआई से रिलेटेड आपके रिसेंटली 5 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने बनाए हुए हैं, रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं। आप डेटा, आप नया रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो गेट डेटा आता है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो पावर बीआई के अंदर आप जो है बहुत सारे कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं इतने सारे कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल से, डेटाबेस से, पावर के प्लेटफॉर्म से, अजूरे से, ऑनलाइन सर्विसेज जो होती है, जो ऑनलाइन आपके जो वेब सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे आप अपने अपना डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत है इसलिए फिलहाल हम कनेक्ट कर रहे हैं एक एक्सेल फाइल से। एक्सेल फाइल पे क्लिक किया। देखिए देखिए जब जब डेटा को कनेक्ट करते हैं, जिसका ध्यान रखिएगा कि डेटा आपका एक डेटा फॉर्मेट में हो, जैसे कि हेडिंग में आपका मर्ज ना हो, कॉलम मर्ज ना हो, एक से डेटा आपका स्टार्ट हो, ठीक है। डेटा के अंदर में जैसे होता है ना कि हेडिंग वेडिंग की जगह पे टाइटल वगैरह लिख देते हैं, उससे चीजें ना हो। अगर हो तो डेटा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि टेबल को या फर्स्ट रो को ही कंसिडर करके आपको डेटा लेके आएगा। तो इसके अंदर जो डेटा आप डालेंगे वो डेटा एक डेटा फॉर्मेट में होगा तो बेनिफिट होगा, ठीक है सर। हाँ सर, तो डेटा लोड करने से पहले एक बार आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर डेटा कैसा है। उसके बाद आपके फाइल जो आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए कि आपके फाइल के अंदर जितने भी शीट्स है उसका लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा किस किस में डेटा, इसने एक किया सजेस्ट टेबल, किस किस ने किस में डेटा था, डेटा फॉर्मेट में था, उसको ऑटोमेटिक निकाल के यहाँ पे दे दिया। ये मुझे पता है कि मुझे डेटा शीट से लेना है। मैं डेटा शीट को सिलेक्ट किया तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू मुझे दिख गया कि डेटा मेरा कैसा है। लेकिन यहाँ लोड एक्टिवेट नहीं। लोड एक्टिवेट तब होगा जब इसके चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने की प्रीव्यू आपको दिखेगी, जब आप क्लिक करेंगे तभी ये लोड आपका एक्टिवेट होगा। अब इसमें एक लोड है और एक ट्रांसफॉर्म है। तो लोड क्या होता है इस चीज को देख लीजिए। लोड हुआ कि आप डायरेक्टली पावर बीआई में ला दीजिए। ट्रांसफॉर्म कब यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं कि जो पावर आपका डेटा जो है उसमें आपको कुछ चेंजिंग करने हैं, इस तरह की कैलकुलेशन करनी है या कोई कॉलम हटाने हैं या किसी तरह का फिल्ट्रेशन करनी है, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सीधे पावर क्यूरी पे चला जाएगा। ओके, तो डेटा लोड करने समय आपने डेटा को प्रीव्यू के देखा और आपको लगा कि डेटा आपके हिसाब से नहीं है, देन आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पावर क्वेरी पे ले जाके उसको डेटा को सही कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोड पे क्लिक करेंगे, लोड पे क्लिक होते ही आपका डेटा लोड हो जाएगा। अब देखिए आपके पास बेसिकली तीन तीन क्या बोलते हैं उसको, व्यू है, तीन व्यू है या लेआउट कह सकते हैं, तीन लेआउट है। पहला लेआउट आपका रिपोर्ट का जो आपको दिख रहा है, दूसरा लेआउट जो होता है टेबल्स का होता है। यहाँ में जो डेटा लोड करते हो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपके डेटा के टेबल्स और उसके फील्ड्स होते हैं। अब एक साथ कई सारे डेटाबेस को एक ही फाइल के अंदर कई सारे शीट्स या अलग अलग फाइल्स को या अलग अलग डेटाबेस को आप लोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सेल है तो हम एक्सेल ही लोड करेंगे, हम एक्सेल, एसक्यूएल, ओरेकल, एक साथ तीनों लोड कर सकते हैं, तो आप लोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप मोर देन वन डेटा शीट को लोड करोगे तो उनके बीच में आपको रिलेशन क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक सेल्स का डेटा डाउनलोड किया और दूसरा डेटा आपका डिस्पैच का आ गया,
तो आपको ये पता करना होगा कि कौन सा हमने जो ऑर्डर लिया उस ऑर्डर का कौन सा कौन कौन ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया गया है। डिस्पैच का डेटा तो अलग है, तो ऑर्डर आईडी से दोनों में रिलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसकी एक रिलेटेड रिपोर्ट बना सकते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ मॉडल के अंदर आपको दिखेगा। तो मॉडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डेटा मिलेगा जहां से हम रिलेशनशिप करते हैं। लेकिन फिलहाल इन चीजों पे डिस्कस हम बाद में करेंगे, हम वापस आते हैं अपने रिपोर्ट्स पे। अब यहाँ पे पेजेज हो गए, अब एक साथ कई सारे रिपोर्ट्स, अब जैसे एक्सेल में शीट्स होते थे इस तरह से कई सारे पेजेस को आप डाल सकते हैं, पेजेस को रिनेम कर सकते हैं, रिपोर्ट डैशबोर्ड जो भी टाइटल देना चाहे आप टाइटल दे सकते हैं और बना सकते हैं और कई सारे। अब अभी जैसे कि टैबलू वगैरह जब यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एक व्यू पे मतलब एक रिपोर्ट पेज पे आप एक ही चार्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आप अपने अपने मर्जी से जितना मर्जी लें उतना मर्जी यहाँ पे ले सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। ये जो सामने दिख रहा है इसको कैनवेस एरिया कहते हैं, मतलब कि आपकी जो भी रिपोर्ट होती है यही पे प्रेजेंट होती है। ये आपके फिल लिस्ट है, पिवट टेबल की तरह वर्क करता है, ये आपकी फिल लिस्ट है, जितने भी आपके डेटाबेस में फिल है वो फिल आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपकी विजुलाइजेशन है कि आपको यहाँ पे जो डेटा दिखने वाला है वो कैसा दिखे, किस फॉर्म में दिखे, किस विजुलाइज में दिखे, वो हो जाता है। और जिस विजुलाइज को सिलेक्ट करोगे उस रिलेटेड यहाँ पे फील्ड्स कॉलम रो वगैरह जो भी होता है वो दिखेगा, उसकी फॉर्मेटिंग दिखेगी। ओके सर, अगर से मान लीजिए कि मुझे एक रिपोर्ट दिखाना है कि कोर्स वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई, तो मेरे पास दो तीन तरीके हैं। अगर मुझे सिर्फ डेटा फॉर्मेट दिखाना है तो टेबल लेना पड़ेगा। टेबल में, अब टेबल में लेने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ कोर्स को उठा के इसके ऊपर ड्रॉप किया और हमने इसको इसको क्वांटिटी को उठा के ड्रॉप कर। अब क्वांटिटी में यहाँ भी ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ वैल्यूज के अंदर ही ड्रॉप कर सकता हूँ, और जैसे पिवट टेबल में दिखता था उस तरह से यहाँ आपको दिखेगा, आपके सामने दिखेगा। इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में जाके इसकी खुद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और जैसे पिवट टेबल में हम कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। डेटा अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए, मतलब रो एंड कॉलम में, मतलब कि मान लीजिए मुझे कोर्स वाइज जोन वाइज एरिया वाइज टोटल चाहिए, तो अगर मैंने एरिया को उठा के मैं इस पे रखा तो इसके बगल में एरिया दिख जाए और डेटा रिपीट हो जाए बच्चे, तो एरिया जो है ना कॉलम में दिखे, तो ये चीज है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। आपको तो जैसा रिपोर्ट चाहिए उस तरह से इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से विजुलाइजेशन चेंज करनी है, विजुलाइजेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे इसको बार चार्ट में चाहिए, तेरा आपका बार चार्ट में आ गया, या आपको स्कैट कॉलम चार्ट चाहिए, तो ये चीजें आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और एनालिटिक्स जो होता है, जो आप विजुलाइज लेंगे उससे रिलेटेड कुछ चीजें ये सजेस्ट करेगा आपको, ये सब में सेम नहीं होता, हर में चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट अपना तैयार करते हैं, राइट सर। अब बात करते हैं जब डेटा हम लोड करते हैं ना, तो डेटा की यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है कि डेटा कैसा हो, तो आपका जो फील्ड है इसी से पता चलता है कि डेटा क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे सम ऑफ का साइन लगा हुआ है, सम ऑफ का साइन लगा हुआ है उसको बोला जाता है नंबर्स, मतलब ये फील्ड नंबर्स है, इस पे कैलकुलेशन हो सकती है। उसके अलावा ये जो कैलेंडर बना हुआ है ये डेट है, इस पे ये डेट है, डेट सिलेक्टेड होगा। अब यहाँ सिटी वगैरह में कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहो तो अपने डेटा चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने सिटी को लिया और सिटी को लेने के बाद हमने इसकी फॉर्मेट हमारा टेक्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अनकटराइज डेटा जो दिख रहा है, इस अनकटराइज डेटा में जाके मैंने इसको दे दिया कि भाई ये किसी शहर का सिटी है। अब सिटी में करते ही देखिए यहाँ पे ग्लोब का निशान आ गया। अभी ग्लोब का निशान आना क्या होता है कि जब हम मैप चार्ट लेंगे तो ये मुझे हेल्प करेगा, ठीक है सर। तो मैप चार्ट में जब सिटी लेंगे तो हमें डेटा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस सिटी के हिसाब से वो हमारा डेटा यहाँ पे विजुअल हो जाएगा, ठीक है। मेघनाथ जी समझ में आया आपको सर?
मेघनाथ जी, हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो ये चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, तो ये हमारा डेटा आपको पहले, तो सबसे पहले डिपेंड करता है जो भी रिपोर्ट आप बनाते हैं डेटा के ऊपर, तो डेटा को सही रखिएगा तो सब कुछ रिपोर्ट आपका बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद यहाँ आता है फिल्टर। देखिए फिल्टर एक स्लाइसर भी है, मतलब कि आप यूजर को देना चाहते हैं कि अपने हिसाब से चेंज करके रिपोर्ट दे दे, तो हम स्लाइसर के यूज करते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट को फिक्स करना चाहते हैं कि नहीं ये रिपोर्ट इसका ही दिखे, तो हम यूज करते हैं आपके फिल्टर। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोर्स वाइज और क्वांटिटी वाइज हमने टोटल बना लिया, लेकिन एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट सिर्फ पूना का होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो ऐड फील्ड है इस पे अपना फिल्टर रख देते हैं। सिटी है हमारा, हमने सिटी को यहाँ रख दिया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि पूना हो, दिल्ली हो, क्या हो, यहाँ रिपोर्ट आया। ठीक है मेघनाथ जी, हाँ जी चलो।